हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डीएम ब्लॉगर आगरा। सो गाइस, आज है भव्य का बर्थडे और ब्लॉग काफ़ी लेट आ रहा है क्योंकि भव्य का बर्थडे भी लेट ही हमने सेलिब्रेट किया था। तो चलिए आज हम भव्य का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और दिखाते हैं कि क्या क्या हुआ भव्य के बर्थडे पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, भव्य ने अपनी पसंद से कॉलोनी के बच्चों को बुलाया था जो साथ में साइकिलिंग करते हैं, तो सभी आ गए हैं। और यहाँ पर आ गया है भव्य का बर्थडे केक और दादी ने भी दे दिया है भव्य को गिफ्ट। ये देखिए, भव्य को ना कार बहुत पसंद है, इसलिए हमने ना उसके लिए कार वाला केक मंगवाया है स्पेशल। बताना कैसा लग रहा है ना अमेजिंग। यहाँ पर दादी भव्य को गिफ्ट दे रही हैं और भव्य को बहुत पसंद आया क्योंकि कार वाला केक। भव्य को कार बहुत पसंद है, उसके पास इतनी सारी कारें हैं घर पे। कभी मौका मिला तो दिखाऊंगी, क्योंकि वो कुछ भी नहीं लेता, सिर्फ कार कार कार। ये देखिए बर्थडे बॉय, कुछ फ्रेंड्स आए नहीं है भव्य का, तो भव्य वेट कर रहे हैं यहाँ पर और माँ के साथ थोड़ा फन हो रहा है। माँ पाली पाली कर रही है भव्य को। तो ऐसा लग रहा था कि ना ये कार देख सकते हो आप कितनी प्यारी लग रही है, ना कहीं लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं, पिकनिक पर निकल जाते हैं, सभी बच्चे कहते हैं चल भव्य पिकनिक पर चलते हैं, तो कट करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन भव्य का बर्थडे है, केक तो कट हो नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर भव्य का केक कट हो रहा है। हैप्पी बर्थडे डियर भव्य, हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भव्य। तो यहाँ पर हो गया है भव्य का केक कट और हम भव्य को खिला रहे हैं भव्य के पापा। फिर बारी बारी से सबने भव्य को खिलाया, भव्य ने अपने फ्रेंड्स को खिलाया। पहले दीदी की बारी आई, दीदी खिला रही है। तो बस यही सब हो रहा है, केक खिलाया जाएगा सबको, फिर आएगी सबकी बारी कि भव्य के लिए क्या क्या गिफ्ट्स लेके आए हैं भव्य के फ्रेंड्स। तो सबसे पहले भाई मम्मा पापा पाली पाली कर रहे हैं भव्य को, केक खिला रहे हैं। उसके बाद सबकी टर्न आएगी, बच्चे बैठे वेट कर रहे हैं कि हमारी भी टर्न आएगी। तो बस यही हो रहा है यहाँ पर। और ये देखिए, अब आ गई छोटी माँ और चाचू की बारी। तो यहाँ पर चाचू और छोटी माँ भव्य को केक खिलाते हुए, और ये देखिए आ गया ना, क्या करती है उसको ना सबसे अपने भाई के पास बैठना होता है, तो सबको हटा दिया, चलिए चलिए साइड हो जाइए सभी। और यहाँ पर भव्य के फ्रेंड्स आना शुरू हो गए हैं और भव्य के लिए गिफ्ट्स भी लाए हैं। ये देखिए बारी बारी से भव्य सबको केक खिला रहा है, सब भव्य को गिफ्ट दे रहे हैं। तो गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना, क्योंकि तभी आप देख पाओगे डीएम ब्लॉगर के ब्लॉग सबसे पहले। तो यहाँ पर हमने ना भव्य के स्कूल फ्रेंड्स को नहीं बुलाया था अभी, अभी केवल कॉलोनी वाले जो भव्य के साथ साइकिलिंग करते हैं भव्य ने उनको बुलाया था। तो देखते हैं आगे भव्य का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट होता है। ये फ़िलहाल तो अभी हम मनाना नहीं चाहते थे, लेकिन भव्य ने बोला, ज़िद की, तो बस हमें भव्य का बर्थडे सेलिब्रेट करना पड़ा। क्योंकि कुछ ऐसा हो गया था गाइस कि मनाने का मन ही नहीं कर रहा था। जब कहते हैं ना कि ज़िंदगी में दुख आता है तो कुछ करने का मन नहीं करता, लेकिन बच्चे की खुशी के लिए यहाँ पे हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया। रो रहा था, 6 का बर्थडे था, हमने 10 को फिर सेलिब्रेट किया। इसका बर्थडे तो निकल गया है 6 अप्रैल को, लेकिन हमने 10 को सेलिब्रेट किया क्योंकि इसने जिद पकड़ ली थी कि नहीं मेरे को बर्थडे मनाना ही है। तो फिर हम बच्चे कहाँ समझते हैं, उन्हें था तो छोटा ही ना। तो बस बच्चे की ज़िद के लिए यहाँ पे हमने बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया। फिर क्या था, भव्य के फ्रेंड्स ने बोला चलो डांस करते हैं, तो सभी डांस करने लगे। और भव्य को डांस करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने बोला भव्य आज आपका बर्थडे है तो अपने फ्रेंड्स के साथ डांस करो, तो फिर मैंने भी किया। बच्चों के साथ बच्चे बनने में ना अलग ही मज़ा है। तो बस भव्य की मम्मा भी यहाँ पर डांस कर रही है बच्चों के साथ। कहते हैं ना कि अपने अंदर का बच्चा हमेशा ज़िंदा रखो, तभी ना
ज़िंदगी जीने का मतलब अलग ही एक मज़ा होता है। बच्चों के संग बच्चे बन जाओ। फिर क्या था, यहाँ पे आ गई बच्चों के डिनर की बारी, तो यहाँ पे थी पाव भाजी, चाउमीन, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, गुलाब जामुन, सैलेड और केक आ गया था यहाँ पे। तो बच्चों को मैंने बोला डांस वांस हो गया, बच्चों चलो अब खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद बच्चों की जाने की बारी आई, लेकिन फिर क्या था, मुझे बच्चे हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी यहाँ पे फन कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि अब जाने की बारी आई है। तो बस यही सब हो रहा है, ये दिख नहीं रहा बाबा, चल फिर से। वही यहाँ पे दिया जा रहा है बच्चों को, बच्चों को काफ़ी अच्छा लगा, सभी ने बहुत सारा एंजॉय किया। ये देखिए क्यूट सी प्यारी सी एंजल, यहाँ पर खूब सारा डांस किया इसने भी। तो गिफ्ट्स लेते जा रहे हैं बच्चे बारी बारी से, और भव्य को बर्थडे विश करते जा रहे हैं। हम बच्चे कह रहे थे यार ये दोबारा से कराओ आंटी, दोबारा से आएंगे हम, क्योंकि हमें अच्छे से नहीं भव्य को बर्थडे विश किया। तो बस फिर बारी बारी सबने बर्थडे विश किया, और फिर भव्य ने बोला सबको बाय। ये देखिए अभी कहाँ, अभी तो छोटी माँ भी बच्चों के साथ बच्चा बन गई। और फिर क्या था, फिर भव्य और आद्या यानी कि आदव्य शुरू हो गए गिफ्ट्स खोलने के लिए। यहाँ पर भव्य दिखाएगा बारी बारी से कि किसमें क्या है, क्योंकि होता ही ना बच्चों को होता है कि जल्दी से बस गिफ्ट्स देखें। तो बस यहाँ पर दोनों बहन भाई शुरू हो गए हैं। किसमें क्या निकला है, तो बस वही दिखा रहे हैं। ये देखिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि बहन भाई में लड़ाई ना हो। यहाँ पर भी लड़ाई हो गई थी, क्योंकि भव्य आद्या को गिफ्ट्स ओपन नहीं करने दे रहा था, उसे खुद ही करना था। तो मैंने बोला मिलके करो, लड़ाई मत करो। तो यहाँ पर बच्चे अपने गिफ्ट्स खोल रहे हैं। गाइज अभी ना ब्लॉग मतलब अब लेट हो गया काफ़ी, और अभी तक मतलब ब्लॉग आ नहीं पाए। तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हम ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाते घर में ही, अचानक से चाची का चले जाना, तो काफ़ी दुख की बात है। इसलिए कोई भी ब्लॉग वगैरह नहीं डाला हमने, और ये भव्य का बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे, फिर भी ये बच्चे की खुशी के लिए हमने किया। तो गाइज़ आपका सपोर्ट और प्यार ऐसे ही हमें मिलता रहे, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।